This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into hideous crimson. बहुत व्यंग के साथ ऑथर कहते हैं, दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, ये जो अलग अलग जगहों से जो लाए गए थे मेकअप मैन, नेशनली इंटीग्रेटेड एकत्रित किए गए थे, ये किसी भी आदमी को जो ठीक ठाक भी दिखता हो उसको एक बड़ा खतरनाक क्रिम्जन ह्यूड मॉन्स्टर, क्रिम्जन कलर होता है, ह्यू माने रंग में बदलना। पीपल ऑफ डिफरेंट ह्यूज केम टू माई हाउस, अलग अलग लोग हमारे घर में आए। कैन यू प्लीज शो मी शर्ट ऑफ डिफरेंट ह्यूज, क्या तुम मुझे अलग अलग रंगों की शर्ट दिखाओगे। सो ह्यू माने अलग अलग तरीका कलर। यहाँ पर दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन बड़े व्यंग से कह रहा है कि जो पूरे देश से जो एकता का मैसेज दे रहे थे, ऐसा जो हमारा स्टूडियो था, अलग अलग धर्म जाति के लोग आए हुए थे, वो लोग इतने खतरनाक थे कि अच्छे दिखा से दिखने वाले आदमी को भी वो एक खतरनाक क्रिम्जन कलर में मॉन्स्टर, राक्षस के रूप में बदल सकते थे। बड़े मतलब बहुत अच्छे मेकअप मैन रहे होंगे तभी तो एक अच्छे दिखने वाले आदमी को राक्षस में बदल सकते थे। और कैसे बदल सकते थे? विथ द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकल मेड थिंग्स, पोशंस एंड लोशन। पैनकेक के बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे उसको उपयोग करते थे, और खास साथ ही साथ लोकल चेन्नई में जो कुछ बनता था, लोशन कुछ बनता था, कुछ पोशन बनता था, इस सब को मिला जुलू के अच्छे खासे आदमी को वो मॉन्स्टर बना सकते थे, यानी सब को बिल्कुल काया पलट कर सकते थे। दे वे सो गुड एट द आर्ट ऑफ मेकअप, मेकअप बनाने की कला में बड़े पारंगत थे। किसी को कुछ भी बना सकते थे, लड़का को लड़की दिखा सकते थे, इतना बढ़िया मेकअप करते थे। एंड सी द वर्ड हाइडियस, खतरनाक। क्रिम्जन इज द नेम ऑफ ए कलर, ह्यूड मने में रंगा हुआ, मॉन्स्टर एंड राक्षस विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक एंड लोकल पोशन एंड लोशंस। वो भी क्या दिन थे, राइटर इज सेइंग, वो भी क्या दिन थे। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इनडोर शूटिंग। शूटिंग दो तरीके की होती है, फिल्म जब बनती है या तो आउटडोर या इनडोर। आउटडोर में क्या होता है, हीरो हीरोइन, कैरेक्टर एक्टर एक्ट्रेसेस, कैमरामैन, मेकअप मैन, इसकी पूरी 50-100 लोगों की टीम उस जगह जाती है जहाँ के दृश्य को शूट करना है। We're shooting a romantic song. Be selfish. So you're happy if you're selfish. Aao ji, mera haath thamo ji. My first time in Kashmir. Mere sang sang chalo. Race 3 mein aap selfish sunne wale hain. It's entirely different from whatever I have done in the past. Aur thoda wahan tasalli. I think पहली बार सलमान भाई ने एक गाना लिखा है। एक बार baby, selfish होके अपने लिए जियो ना। It's basically is like a, they're not lyrics. I'm not a lyricist. It's just a conversation. These guys have given my name as a lyricist. एक बार baby, selfish. It was freezing cold. Okay. Split turn. The music box. The music box. And drop. That was the most difficult part to shoot because of where we shot it was so windy.
was one incident where Remo sir came to us and they were like, "Chalo pani mein jao." Selfish is everyone's favorite song. Very nice. कई रिहर्सल होते हैं. उदाहरण के लिए यदि जगदलपुर में चित्रकूट जो जलप्रपात है वो बड़ा रमणीय दृश्य है, वहाँ की शूटिंग करना हो तो कैमरामैन जाएगा, एक्टर एक्ट्रेसेस और पूरी टीम प्यून से लेकर सभी स्तर के लोग वहाँ जाएंगे जिनकी संख्या 50-100 होगी और बहुत सारा सामान ट्रक में भर के ले जाएंगे. फिर वो वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करेंगे, फिर शूट करते हैं. वो आउटडोर शूटिंग. और दूसरा तरीका होता है आजकल के टेक्नोलॉजी में इनडोर शूटिंग. चित्रकूट के पूरे सीन को एक कमरे में या एक स्टूडियो में क्रिएट कर देते हैं और उस स्टूडियो में ही चित्रकूट के दृश्य के सामने एक्टिंग होती है. तो ऐसा लगता है मानो ये चित्रकूट में शूटिंग हुई है. तो यहाँ पर उस ज़माने में अधिकतर शूटिंग जो थी वो इनडोर होती थी. आज तो स्विट्ज़रलैंड भी जाते हैं लोग, अमेरिका जाके करते हैं शूटिंग, इटली स्पेन जाके करते हैं शूटिंग. भारत के बॉलीवुड के हीरो हीरोइन, उस ज़माने में ऐसा नहीं था. सो मोस्ट ऑफ द शूटिंग वॉज इनडोर. मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम स्टूडियो में होता था. एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटसाइड. केवल 5-7% फिल्म का हिस्सा बाहर शूट होता था, बाकी सब अंदर. आज तो स्थिति उल्टी है. कमोबेश 70-60% शूटिंग बाहर होती है, 30-40% अंदर होती. ऑथर फर्दर से आई सपोज, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी. मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडियो और सेट्स हैं, स्टूडियो लाइट और सेट, उसको पकड़ने के लिए ऐसे लड़के और लड़कियों की जरूरत थी जो अगली दिखाई दें, कुरूप दिखाई दें. टू बी मेड टू लुक अगली, कुरूप दिखाई दें इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, ताकि वो मूवी में रखे जा सकें सामने, पिक्चर में लाए जा सकें सामने. ऐसा ऑथर का आई सपोज मतलब मुझे लगता है. क्या तुम खाना खाओगे? आई सपोज आई वॉन्ट ईट. मुझे ऐसा लगता है शायद मैं नहीं खाऊँगा. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ आई सपोज. तो यहाँ पर ऑथर सेज दैट दे नीडेड फॉर सेट्स for holding lights such girls and boys who should not look decent, they were made to look ugly. Ugly matlab kuroop, unhein kuroop bana dikhaya jata tha taki unhein presentable, taki unhein samne rakha ja sake. A strict hierarchy was maintained. Ek bahut kadi kya bolna chahiye, padon ka kram rakha gaya tha. मंच सच्चा और स्टूडियो की रोशनी को इस बात की ज़रूरत थी कि लड़के और लड़कियों को कुरूप बनाया जाए, ताकि फिल्म में वे सुंदर प्रस्तुत करने योग्य दिखाई दें और बनाए जा सके. उसी प्रकार हायरार्की मतलब पदानुक्रम, पदों का क्रम. सबसे ऊपर कौन रहता है एक स्कूल में? हायरार्की में द टॉप मोस्ट पर्सन इन द हायरार्की इन ए स्कूल इज प्रिंसिपल, देन वाइस प्रिंसिपल, देन हेड मास्टर, देन हाई स्कूल टीचर, देन मिडिल स्कूल टीचर एंड सो. दिस इज कॉल्ड हायरार्की. याद रखेंगे हायरार्की यानी पदानुक्रम. सो जो मेकअप रूम था, जिसे हम हिंदी में श्रृंगार विभाग कह सकते हैं, सो इस श्रृंगार विभाग में बड़ा कठोर पदानुक्रम था, बड़े सख्ती से पालन किया जाता था. सख्ती से पालन का मतलब द हायर पर्सन वॉज वेरी सीरियसली रिस्पेक्टेड एंड ऑर्डर्स कमिंग फ्रॉम हायर पर्सन वेर वेरी सीरियसली ओबेड.
द जूनियर कैनॉट डेयर चैलेंज हिम, जूनियर हिम्मत नहीं करते थे कि वो किसी तरीके से उस पर सवाल जवाब करें. द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली. जो मुख्य मेकअप मैन हुआ करता था, मुख्य श्रृंगार विभाग में जो मुख्य श्रृंगार करता था, वो जो प्रमुख अभिनेता होते थे और अभिनेत्रियाँ होती थी, उसका वरिष्ठ सहायक दूसरे नायक और नायिका को, कनिष्ठ सहायक मुख्य हास्य अभिनेता को, इन सबको कुरूप बनाते थे लोग. दिस इज वेरी फनी. द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली. जैसा मैंने अगली मैंने कहा कुरूप. द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन. सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरोइन हीरोइन. हर फिल्म में एक साइड हीरो भी होता है ना, और साइड हीरोइन रहती है. तो जो हायरार्की में दूसरे नंबर का आदमी था मेकअप रूम में, उसका काम था सेकेंड नंबर के हीरो हीरोइन की सजावट करना. उसके बाद जो और जूनियर आर्टिस्ट होता था जो मेकअप मैन, उसका काम था कॉमेडियन की सजावट करना आदि आदि. ये बड़ा सीरियस काम होता था, बड़े सीरियसली आदेशों को माना जाता था. ऐसा नहीं कि सीनियर जो जूनियर असिस्टेंट है वो हीरो का मेकअप करने लगे. ना ना ना, हीरो को भी ये पसंद नहीं आएगा और सीनियर मेकअप मैन को भी पसंद नहीं आएगा. दे विल नॉट लाइक. एंड सो देयर वाज अ वेरी क्लियर हायरार्की मेंटेन्ड. द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय. अब कई बार फिल्मों में भीड़ की जरूरत पड़ती थी, कई बार देखते हैं ना भीड़ का दृश्य जरूरी रहता है, बीसों पचासों लोग चलते हुए आते जाते हुए या कोई भाषण सुनते हुए आदि आदि. ये भीड़ कहाँ से आएगी? तो इस भीड़ को इकट्ठा करने का काम था एक व्यक्ति का जिसका पोस्ट था ऑफिस बॉय. और फिर जेमिनी और फिर ये राइटर आगे कहते हैं कि इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी हैड एन ऑफिस बॉय. मतलब मेकअप डिपार्टमेंट का भी एक ऑफिस बॉय था. ये बड़ी मज़ेदार बात है, क्योंकि नॉर्मली ऑफिस बॉय जो होता है ना वो पूरे ऑफिस के लिए होता है, अर्थात पूरे स्टूडियो के लिए एक आध बॉय होना काफ़ी था. लेकिन यहाँ मेकअप डिपार्टमेंट के लिए एक ऑफिस बॉय था. क्यों था? क्योंकि उसका काम था शूटिंग के दौरान जब तब भीड़ इकट्ठी करवाने का, जिनकी ज़रूरत फिल्म में पड़ती है. मैनी सीन्स यू मस्ट हैव सीन विच हैज़ क्राउड. So when the crowd is needed, who will bring the crowd? Office boy was asked to bring the crowd, and then writer says it was very funny that even our makeup department had an office boy. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. जिस दिन भीड़ की शूटिंग होनी हो, भीड़ का दृश्य दिखाना हो, सो राइटर सेज वेरी फनी कि वो जो ऑफिस बॉय होता था वो एक बड़े बर्तन में पेंट डाल देता था, पेंट डाल के उसको खूब हिलाता था. जायंट वेसल, जायंट माने विशाल, विशाल बर्तन में पेंट भर देता था, और उसके बाद स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स. और जो क्राउड में, क्राउड प्लेयर मतलब, प्लेयर मतलब खिलाड़ी नहीं, क्राउड प्लेयर मतलब क्राउड के वो लोग जिनकी ज़रूरत शूटिंग में है, जिनको फिल्म में दिखाना है, उन लोगों पर वो रंग पोत देता था. स्लैप करना मैंने रंग पोत देना. क्यों? अलग अलग रंग दिखाना है उनको, अदरवाइज सभी के सभी तमिलियन दिखने लगेंगे. हो सकता है शिमला का दृश्य दिखाना हो तो वहाँ गोरे लोग हैं, हो सकता है अमेरिका का दृश्य दिखाना हो तो वहाँ भी गोरे लोग हैं, हो सकता है अफ्रीका का दृश्य दिखाना हो तो बिल्कुल काले लोग चाहिए. तो रंगों का खेल करता था ये ऑफिस बॉय, भीड़ को जुटाने का काम, और उसके बाद बड़े बर्तन में रंग भरता था, मिलाता था, और फिर सबको रंग थोपता था. वेरी फनी, वेरी इंटरेस्टिंग. कैसे पिक्चर बनती है देखिए, बहुत ही बढ़िया वर्णन यहाँ पर है. द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप. और वो जब द आइडिया वॉज, इसके पीछे तर्क ये था, जैसा आई सपोज मैंने बताया, ऐसे ही एक शब्द है द आइडिया वॉज.
द आइडिया वॉज, मतलब इसके पीछे ये तर्क था, इसके पीछे ये सोच थी कि जो क्राउड प्लेयर्स थे, जो भीड़ में जो लोग थे, जिनकी ज़रूरत थी भीड़ में, उनको पेंट स्लैप करते हुए वो हर छिद्र को भर देता था। पोर माने छेद, पोर माने छेद। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। टू अप्लाई मतलब लागू करना, लगाना। मेकअप लगाने के पहले पूरे चेहरे को के छेदों को भर देना। ऐसा वो पेंट का लेप चेहरे में लगा देता था भीड़ के लोगों को, हर एक को। इन दोज डेज आई वर्क इन ए क्यूबिकल, दिस इज पैरा 3। ये समझ लीजिए इस लेख का, इस एक्सट्रैक्ट का तीसरा भाग है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। सो उन दिनों आई वर्क इन ए क्यूबिकल। क्यूबिकल मतलब क्या होता है? कमरे के अंदर एक छोटा सा तहखाना, एक कोना बना देना, कमरे के अंदर एक कॉर्नर बना देना, एक तहखाना बना देना, उसमें मैं काम करता था। अशोक मित्रन सेज, टू होल साइड्स ऑफ विच वेयर फ्रेंच विंडोज। उस जो तहखाना था, वो जो कमरा था, उसके जो दो साइड थे उसमें फ्रेंच विंडो था। अब ये फ्रेंच विंडो क्या होता है? विंडो तो समझ में आ रहा है, फ्रेंच विंडो मतलब फुल साइज विंडो, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो आज आप बड़े बड़े आलीशान मकानों में, बड़ी बड़ी दुकानों में पाएंगे, दे आर नॉट डोर्स, दे आर नॉट वॉल्स, देन वॉट आर दे आर फ्रेंच विंडोज, बिकॉज फ्रेंच वे आर द फर्स्ट पीपल प्रॉबेबली टू हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। सो क्यूबिकल मीन्स एक कॉर्नर, एक तहखाना। बैंक में आप जाएं तो बैंक में कई खंड बने रहते हैं, पार्टीशन से, वुडन पार्टीशन से, उनको कहते हैं क्यूबिकल्स। इस हॉल के अंदर 12 क्यूबिकल बने हैं जिसमें 12 आदमी बैठते हैं। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड क्यूबिकल। और उस क्यूबिकल के दो साइड में फ्रेंच विंडोज थे, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थीं। आई डिडंट नो एट दैट टाइम वाई दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। मुझे नहीं मालूम था उस समय कि इन्हें फ्रेंच विंडोज कहा जाता है, मुझे पता नहीं था। मैं सोचता था खिड़कियां हैं पर ये फ्रेंच विंडो कहते हैं इसे, ये मुझे नहीं मालूम था। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, टेयरिंग अप न्यूज पेपर डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट टू नथिंग मतलब, नथिंग मतलब कुछ नहीं, और नथिंग के नेक्स्ट क्या होगा? कुछ नहीं। नथिंग के बाद क्या आएगा? और कुछ नहीं। तो इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। ये वाक्य बड़ा सुंदर है, सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, मुझे अपनी डेस्क में बैठे हुए देखते थे लोग, और क्या देखते थे? कि मैं पेपर की कटिंग कर रहा हूँ, सुबह शाम रात जब हो तो दे वुड सी मी टीयरिंग अप, फाड़ते हुए पन्नों को, फाड़ते हुए पन्नों को, काटते हुए, डे इन एंड डे आउट। डे इन एंड डे आउट मतलब सुबह शाम। यू ऑलवेज सिट विथ मोबाइल डे इन एंड डे आउट, यू आर वॉचिंग मोबाइल डे इन एंड डे आउट, तुम सुबह शाम मोबाइल में ही पड़े रहते हो। यू टॉक अबाउट going to this place day in and day out, तुम सुबह शाम बस वहीं जाने की बात करते हो। तो day in and day out, तो जो लोग मुझे दिन भर सुबह शाम बैठे हुए देखते थे, पेपर फाड़ते हुए पेपर काटते हुए, उनको ऐसा लगता था ये आदमी क्या काम कर रहा है, कोई काम का नहीं है। ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, ही जस्ट सिट्स इन वन कॉर्नर, कीप्स कटिंग द पेपर, व्हाट इज द यूज? एंड एज आई टोल्ड यू that this department as such was very insignificant department. Film industry के लिए, एक film industry के department में इसका क्या काम? कम से कम जब film बन रही हो उस समय तो कोई काम नहीं था, बाद में आता है काम, जैसा मैंने बताया पहले। So now seeing me sitting at my desk, tearing up newspaper day in and day out,
मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग. अधिकतर लोग ये सोचते थे मैं बेकाम आदमी हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, बेगारी का काम कर रहा हूँ, और इसलिए मेरे को ध्यान भी नहीं देते थे, मेरी खास इज्जत भी नहीं होती थी, कम से कम काम को लेकर मेरी कोई इज्जत नहीं होती थी. सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर. टू डिलीवर मैंने देना, आई डिलीवर्ड ए डिलीवरी मैन, सुना होगा आपने, जोमैटो वाले जो लड़के आते हैं वो डिलीवरी बॉयज़ कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, खाने का देते हैं, पहुंचाते हैं. डिलीवर करना यानी पहुंचाना, देना, जाके देना. ही डिलीवर्ड ए लेक्चर, भाषण देना. टू डिलीवर ए लेक्चर, भाषण देना. तो यहाँ पर व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू से, दैट इट इज टेयरिंग अप न्यूज़पेपर, मोस्ट पीपल थॉट आई वाज डूइंग नथिंग, इट इज लाइकली दैट बॉस थॉट लाइक वाइज टू. और इसके इट इज लाइकली मतलब ये भी संभव है, ऐसा भी संभव है, आई सपोज, जैसा मैंने बताया ऐसे यहाँ पर इट इज लाइकली, इसकी भी संभावना है कि शायद बॉस भी मुझे वैसे ही सोचता था. ही थॉट लाइक वाइज, लाइक वाइज मतलब वैसे ही सोचना, कैसा, जैसा बाकी लोग सोचते थे कि ये बेगार का आदमी है, एक कोने में बैठा हुआ तो पेपर काटते रहता है, इसका कोई मतलब नहीं फिल्म से, बेकार आदमी. तो बॉस भी मेरा वैसे ही सोचता था, सोचता होगा, इट इज़ लाइकली. उसको मालूम नहीं था, अशोक मित्रन नेवर न्यू कि बॉस क्या सोचता था, लेकिन इसने अंदाज लगाया. यहाँ तक कि क्या होता था कि पीपल वुड बार्ज इन, एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब काम, ऑक्यूपेशन मतलब काम, ऑक्यूपेशन मैंने धंधा, पर यहाँ पर ऑक्यूपेशन का अर्थ है काम, कि मुझे कुछ काम देना चाहिए. जिसको भी लगता था कि अरे इसे कुछ काम देना चाहिए, वो मेरे कमरे में घुस जाता था, मेरे तहखाने में आ जाता था. और बार्ज इन मतलब क्या होता है, टू बार्ज के बाद हमेशा इन आता है, टू बार्ज इन मतलब धक्का दे के घुस जाना, दरवाजे एकदम खुलते ही घुस जाना तेजी से, उसे कहते हैं बार्ज इन. यू नो आई वॉज सिटिंग इन माई रूम, सडनली ए पुलिस मैन बार्ज इन, अचानक एक पुलिस आदमी आ गया, जब तेजी से जोर से धक्का दे के दरवाजे को खोलते हुए कोई धड़ते घुसे तो उसे बार्जिंग कहते हैं. डोंट बार्ज इन टू माई रूम विदाउट नॉकिंग इट, बिना दरवाजा खटखटाए मेरे घर कमरे के अंदर नहीं घुसो, राइट. सो जिसको भी कुछ काम देना होता था तो वो मेरे पास आ जाता था, एक काम दे देता था, और एक्सटेंडेड लेक्चर देता, लंबा चौड़ा भाषण दे देता था. डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, क्यों, क्योंकि उनको लगता था ये आदमी किस काम का, बस पेपर पढ़ता रहता है, काटते रहता है, क्या करता है, जिसका कोई काम नहीं है इसका. सो मेरे लिए तो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यानी ये लोग सब मुझे बड़ा छोटा आदमी समझते हैं. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटन्ड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट. अब देखिए यहाँ बॉय इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. डिलीवरी बॉय मतलब लड़का, ऑफिस बॉय मतलब लड़का, पर ऐसा नहीं है. आगे देखिए क्या बोलता है ऑथर. तो इस सेंटेंस को पहले हम समझ लें. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, वो जो ऑफिस बॉय जो है, जो मेकअप डिपार्टमेंट में था, उसने तो तय कर लिया था कि वो मुझे, आई शुड बी एनलाइटन्ड, टू एनलाइटन मतलब किसी पर प्रकाश डालना, टू एनलाइटन मतलब किसी को और ज़्यादा समझाना, आई शुड बी एनलाइटन्ड, कि मुझे वो समझाएगा. उसने तो तय कर लिया था, किसने, ऑफिस बॉय ने, कि आई शुड बी एनलाइटन्ड कि हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट. मुझे समझाएगा कि तुम्हारे जैसा इतना बड़ा साहित्यिक जो टैलेंट है वो यहाँ पे कोने में पड़ा हुआ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है. ये कौन समझाएगा, ऑफिस बॉय. ऐसा किसका कहना है, अशोक मित्रन का कहना है, कि अशोक मित्रन का कहना है कि मुझे ऐसा लगा कि ऑफिस बॉय जो है
वो मेरे को एक बड़ा टैलेंटेड आदमी मानता था और शायद वो मेरे को उसने सोच लिया था कि मुझे समझाएगा कि भाई ये सब काम क्या कर रहे हो और अपना योग्यता अपना टैलेंट तुम बर्बाद कर रहे हो इस काम में। लिटरली टैलेंट, तुम्हारा साहित्यिक जो कौशल है उसको तुम यहाँ पे पड़े पड़े बर्बाद कर रहे हो। वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट, वेस्ट मैंने बर्बाद करना, टू गो वेस्ट मतलब बर्बाद करना। ऑल माई एफर्ट वेंट इन वेस्ट, ऑल माई एफर्ट वेंट वेस्ट, मेरा सारा प्रयास बर्बाद हो गया। यहाँ वेस्ट की स्पेलिंग देखेंगे, डब्ल्यू ए एस टी ई, वेस्ट यानी बर्बाद होना, वेस्ट कम टू वेस्ट मतलब बर्बाद करना, और वेस्ट मतलब कचरा, और कमर की स्पेलिंग क्या होती है वेस्ट की, डब्ल्यू ए आई एस टी। दर्जी आपके कमर की वेस्ट का नाप लेता है, वहाँ स्पेलिंग है डब्ल्यू ए आई एस टी, उच्चारण है वेस्ट दोनों का। ये वेस्ट जो है आप समय बर्बाद कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, उसने तय कर लिया था ऑफिस बॉय ने कि वो मुझे बार बार समझाएगा, टू एनलाइटन मतलब मुझे प्रकाश देगा, मुझे समझाएगा ऑन हाउ ग्रेट लिटरली टैलेंट इज बीइंग वेस्टेड, कि कैसे एक बड़ा साहित्यिक आदमी जिसका इतना ज्ञान है उसका जो टैलेंट है उसका जो कौशल है वो यहाँ पे खप रहा है, वेस्ट हो रहा है, और वो भी ऐसे डिपार्टमेंट में, मेकअप डिपार्टमेंट में, विच वॉज फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। वो भी वही डिपार्टमेंट जो केवल बार्बर्स के लिए था, जो केवल परवर्ट्स के लिए था, परवर्ट मतलब जो गलत सोचते हैं, बार्बर यानी नहीं। वहाँ पे तुम जैसा आदमी खप रहा है, समय एनर्जी टाइम और अपना टैलेंट बर्बाद कर रहा है, ऐसा वो ऑफिस बॉय के तरीकों से मुझे महसूस किया कि क्योंकि वो बार बार आकर मुझे समझाता था कि क्या कर रहे हो यार, यहाँ तुम सड़ रहे हो। यहाँ इसका एक तरीके से यदि हम शाब्दिक अनुवाद करें तो ऐसी होगा हिंदी में कि अरे तुम्हारा जो टैलेंट है यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है, तुम तो यहाँ पे हो मेकअप डिपार्टमेंट में, क्या काम तुम्हारा, तुम तो साहित्यिक आदमी हो। तो दिस इज वॉट ही सेड। क्यूबिकल एज आई सेड, स्मॉल कक्ष, बार जिन मतलब घुस जाना, प्रिवेंट मैंने रोकना, और एपिक्स मैंने महाकाव्य। उसके ऑफिस बॉय के बारंबार कहने से मैं त्रस्त हो चुका था, और परिणाम क्या हुआ कि मैं बार बार प्रार्थना करने लगा कि क्राउड शूटिंग होए ताकि ऑफिस बॉय वहाँ व्यस्त रहे। क्यों? मैं मतलब ऑथर, ऑथर वॉज प्रेइंग कंटिन्यूअसली, सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग टू स्टार्ट ऑल द टाइम, पूरे समय क्राउड शूटिंग होती रहे। क्यों? ऑफिस बॉय वहाँ बिजी हो जाएगा, क्योंकि उसका काम था लड़कों और लड़कियों को बुलाना, भीड़ इकट्ठी करना, बूढ़े महिलाओं पुरुषों को बुलाना, भीड़ इकट्ठी करना, और उसके साथ ही उसका काम था पेंट करना, उनके चेहरों को पेंट से भरना। उसी में बिजी रहेगा तो कम से कम मुझे भाषण नहीं देगा कि क्या तुम्हारा ज़िंदगी यहाँ बर्बाद हो रही है, ऐसा बोल के वो बड़ा निराशावादी तरीके से मुझसे बात करता था। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। उससे कम तो मुझे उसके इस महाकाव्यी भाषणों से नहीं बचा सकता था। एपिक मतलब महाकाव्य, रामायण इज एन एपिक, कादंबरी इज एन एपिक, सम ऑफ द बुक्स रिटन बाय कालिदास आर एपिक्स, महाकाव्य, कई सौ पन्नों की जो कविताएं होती हैं वो महाकाव्य कहलाती हैं, एपिक कहलाती हैं। सो ऑथर से कि मैं तो चाहता था कि भाई वो भीड़ की शूटिंग जल्दी हो, चलती रहे लगातार ऑल द टाइम, ताकि ये जो आदमी है ऑफिस बॉय ये वहाँ बिजी रहे, और मुझे जो इतना लंबा चौड़ा महाकाव्य सुना रहा है, भाषण दे रहा है कि तुम्हारी योग्यता का यहाँ क्या
फ़ायदा हो रहा है, तुम तो इतने विद्वान आदमी हो, लिटरेरी आदमी हो, साहित्यिक आदमी हो, तो नथिंग शॉर्ट ऑफ इट, इससे कम में नहीं चलेगा काम, कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, उसके महाकाव्यों से बचने का यही एक तरीका था कि भीड़ की ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग हो, नहीं तो वो आदमी जो है ऑफिस बॉय खाली रहता था, जब तब चलाता था, मुझे भाषण देता था, बड़ी बुरी हालत, मतलब मेरी हालत ठीक नहीं थी, जिस कोठरी में मैं पड़ा था, जिस तहखाने में मैं काम कर रहा था, एक तो काम भी मेरे पसंद का नहीं था, ऊपर से लोग मेरे को सोचते थे बेकार आदमी, शायद बॉस भी ऐसा सोचता होगा, और उसके ऊपर ये ऑफिस बॉय जो है वो मेरे पर भाषण झाड़ता था, मुझे बार बार, जिसको हिंदी में कहते हैं खेदना, कि तुम इस जगह के लिए उचित नहीं हो, तुम बेहतर काम के लिए हो, यहाँ क्यों अपने को अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, आदि आदि। सो नाउ वी कम टू द फोर्थ पैरा, व्हाट हैज़ द फोर्थ पैरा टू से, इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इंस्टेंस मतलब अनुभव, मौके, फ्रस्ट्रेशन मतलब, फ्रस्ट्रेशन मतलब भड़ास, जितने भी भड़ास के मौके हुए, जब भी अपना गुस्सा उतारना होता है, सो यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड द सिंगल पर्सन। लेखक अब कहते हैं कि जब भी अपना गुस्सा उतारना होता है, फ्रस्ट्रेशन उतारना होता है, भड़ास निकालनी होती है, तो अब क्या होता है, सामान्यतः हम एक ही व्यक्ति को पकड़ के उस पर अपना गुस्सा उतारते रहते हैं, होता है कि नहीं। तो द ऑथर इज सेइंग दैट इन ऑल इंस्टेंसेस, चाहे कितने भी उदाहरण ले लो फ्रस्ट्रेशन के, यू विल ऑलवेज फाइंड एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड द सिंगल पर्सन, एंगर मतलब गुस्सा, गुस्सा जो है हमेशा किसी एक व्यक्ति पर ही लगातार किया जाता है। ओपनली और कवर्टली एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड, ये जो गुस्सा किया जाता है एक व्यक्ति पर, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे परोक्ष रूप से हो, कोवर्टली और ओवर्टली, ओपनली और कवर्टली, कवर्टली मतलब परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, और ओपनली मतलब खुले, किसी पे गुस्सा करना हो तो एक व्यक्ति पे डायरेक्टली गुस्सा करो, नहीं तो किसी को बोलते जाओ उसके बारे में और उसकी बुराई करते जाओ, नाराजगी दिखाते जाओ। सो देन ऑथर सेज एंड दिस मैन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वूज इग्नोनिमिटी एंड नेग्लेक्ट वेयर ड्यू टू कोठ मंगलम साबू, एंड नाउ ऑथर सेज कि दिस मैन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट, जो ऑफिस बॉय है, उसको लगता था, वो इस बात से बगादा उसको लगता था, कन्विंस होना मतलब संतुष्ट होना, कन्विंस होना, पूरी तरह से वो संतुष्ट था, पूरी तरह से वो, उसको विश्वास था कि उसके जितने भी तकलीफ़ें हैं, वो माने तकलीफ़ें, दर्द, WOE, वो इग्नोमिटी मतलब जो अज्ञानता, और नेग्लेक्ट मतलब किसी को अनदेखा करना, उसे कहेंगे नेग्लेक्ट, डोंट नेग्लेक्ट मी, मुझे अनदेखा मत करो, तिरस्कृत मत करो, यू विल पे हैवी प्राइस फॉर नेग्लेक्टिंग दैट बॉय, उस लड़के को अनदेखा करने की तुमको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो नेग्लेक्ट। सो ऑथर सेज कि वो जो ऑफिस बॉय है, ऑफिस बॉय को लगता था कि उसका जितना भी तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं यहाँ पे, उसकी जितने भी इग्नोमिनी हैं, और उसके जितने भी उसका जो नेग्लेक्ट है, जो लोग उसको ध्यान नहीं देते, अनदेखा करते हैं, वो उस एक आदमी के कारण है जिसका नाम है
कोठ मंगलम सब्बू, ये किसका कहना है? ऑथर का कहना है क्या कि ऑफिस बॉय को ऐसा लगता था कि सब्बू वॉज द नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियो। अब ये सब्बू कौन था? ऑथर से सब्बू वॉज नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियो। ही कुंड हैव हैड ए मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन अदर्स ग्रोन अप मेकअप बॉयज हैड। जो सब्बू था वो नंबर दो था मेकअप में, मेकअप रूम का, और उससे बढ़िया शुरुआत किसी की नहीं हो सकती थी उस ओहदे पर जितनी बढ़िया शुरुआत सब्बू की हुई। ही कुड नॉट हैव हैड ए मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म, फिल्म वर्ल्ड में इससे बढ़िया शुरुआत क्या होगी कि एकदम नंबर दो के पद पर आप मेकअप रूम में आ गए हो, देन अवर ओन ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। हमारे जो पुराने मेकअप बॉय थे उससे भी ज़्यादा अनुभवी, उससे भी ज़्यादा ऊपर वो था। इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती थी? अर्थात सब्बू की करियर की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी, वेरी एनकरेजिंग। एनकरेजिंग मतलब उत्साहित करने वाले। योर वर्ड्स आर वेरी एनकरेजिंग टू मी, आप जो कह रहे हैं वो मुझे बहुत उत्साहित कर रहे हैं। योर वर्ड्स आर वेरी एनकरेजिंग। सो इन ओपनिंग इन फिल्म देन अवर ओन ग्रोन अप मेकअप हैड। ऑन द कॉन्ट्रैरी मतलब उसके उल्टे, उसके विपरीत, एक और जहाँ सब्बू से बेहतर, सब्बू के लिए इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी, वहीं उसके उल्टे ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स। उसको और ज़्यादा अनिश्चित काल और कठिन काल झेलना पड़ा होगा। ही मस्ट हैव हैड टू फेस, टू फेस मतलब झेलना। आई हैड टू फेस हिज एंगर, मुझे उसका गुस्सा झेलना पड़ा। आई कैनॉट फेस माई पेरेंट्स नाउ बिकॉज आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। मैं अब अपने पेरेंट को चेहरा नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने कुछ गलत काम किया है। आई हैड टू फेस हिज एंगर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ऑथर? ऑथर सेज दैट ऑन उसके उल्टा ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टन। अनसर्टन मीन्स अनिश्चित, और ज़्यादा अनिश्चित और कठिन समय उसने देखा होगा। किसने? सब्बू ने। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर देयर वेर नो फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियो। जब उसने अपना करियर शुरू किया होगा उस समय कोई भी ढंग का एस्टैब्लिश्ड, अच्छी तरह से स्थापित स्टूडियो नहीं रहा होगा या कंपनी नहीं रही होगी जो फिल्म बनाती हो। अर्थात वो बहुत पहले से आ गया था। कौन? सब्बू। सब्बू ने काफ़ी पहले अपना करियर शुरू कर दिया था, इसीलिए उसने बड़ी तकलीफ़ें झेली होंगी, अनिश्चितता झेली होगी कि पता नहीं ये मेकअप रूम की नौकरी कब तक चलेगी, पता नहीं ये फिल्म की दुनिया में मेकअप का क्या रोल है, क्या भूमिका है। ऐसे कठिन दौर में उसने काम किया है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द ऑथर हिमसेल्फ, वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट जेमिनी, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द हायरार्की, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑफिस बॉय। फ्रॉम ऑफिस बॉय नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वन जेंटलमैन कॉल्ड सब्बू, एंड अबाउट सब्बू द फाइनल थिंग ही हैज़ टू से इज़ दैट ही मस्ट हैव बिगन करियर इन अ वेरी स्मॉल वे ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। जब फिल्में नई नई शुरू हुई थी तब शायद उसने मेकअप का काम शुरू किया था और अब यहाँ पहुँच गया। इवन इन मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सब्बू कुंड हैव हैड एन एप्रीशिएबल लीड ओवर अवर बॉय। दिस इज ए टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर कहता है लेखक कि पढ़ाई के मामले में भी, इवन इन मैटर ऑफ एजुकेशन। अब इवन शब्द को देखिए, इवन आपने सुना होगा ऑड नंबर और इवन नंबर।
ऑड नंबर किसे कहते हैं, 1, 3, 9 एटसेट्रा, और इवन नंबर किसे कहते हैं, सम अंक 2, 4, 6, 8, वो इवन नंबर और ऑड नंबर। यहाँ पर क्या अर्थ है, इवन मतलब इवन यू कुड नॉट टेल मी, तुम भी नहीं बता पाए, इवन यू हैव फेल्ड, तुम भी असफल हो गए हो, ऑल्सो नहीं बोलेंगे, इवन। इवन आई कुड नॉट ओपन द ड्रॉअर, मैं भी ड्रॉअर नहीं खोल पाया, इतनी बुरी तरह वो फंस गया है ड्रॉअर, इवन। तो यहाँ पे ऑथर इज सेइंग कि इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई के मामले में भी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, विशेष रूप से स्कूल वाली शिक्षा, स्कूली शिक्षा के मामले में, सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर अवर बॉय। सुब्बू जो था उसको कोई, हमारा जो ऑफिस बॉय था उससे कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था, किस मामले में, पढ़ाई के मामले में भी, और इसके अलावा बाकी मामले में भी ऐसा लगता है कि सुब्बू वैसे नंबर दो था, लेकिन बहुत समय से वो मेहनत करके आया था, कठिन टाइम पे आया था। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न ए ब्राह्मिन, लेकिन वो एक ब्राह्मिन था, बाय वर्च्यू ऑफ मतलब के कारण, बाय वर्च्यू ऑफ के कारण, ब्राह्मण होने के कारण, बाय वर्च्यू ऑफ माई हाइट आई हैव बीन सेलेक्टेड एज कैप्टन टू लीड द ट्रूप, मेरी हाइट के कारण, बाय वर्च्यू, वर्च्यू मतलब अच्छा गुण, VIRTUE, वर्च्यू मतलब अच्छा गुण, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ मतलब के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, बाय वर्च्यू ऑफ, एम आई क्लियर। सो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ब्राह्मिन, देखिए कितनी, क्या स्थिति थी उस समय, द ऑथर इज सेइंग बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न ए ब्राह्मिन, एक ब्राह्मण होने के कारण, और फिर लिखता है वर्च्यू इनडीड, एक अच्छा गुण वास्तव में, इनडीड माने वास्तव में, और फिर मैं गिर गया, इनडीड, क्या तुम वास्तव में गिर गया, कोई बता रहा है कि फिर मैं स्कूटर चला रहा था, राइडिंग ए स्कूटर, देन आई फेल डाउन, इनडीड डिड यू फील डाउन, फेल डाउन, तो इनडीड मतलब वास्तव में, आई इनडीड फेल डाउन, अरे भाई मैं वास्तव में गिर गया था। और वर्च्यू मैंने बताया सद्गुण, उसका ठीक उल्टा है वाइस, वाइस माने दुर्गुण, VICE वाइस, वाइस यानी दुर्गुण। तो यहाँ वर्च्यू इंडीड वास्तव में वर्च्यू था, सद्गुण था, क्या, टू बी ब्राह्मण इन दोज डेज, यस इट वॉज वर्च्यू कि वो ब्राह्मण था, ये उस काल में गुण माना जाता था। आप समझ सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में कितनी डीप रही होगी, एक समय था जब हर चीज जाति के नाम पर ही देखी जाती थी। सो हियर ऑथर इज ऑल्सो गिविंग अस एग्जाम्पल दैट सुब्बू प्रॉब्ली वॉज पिक्ड अप बिकॉज ही वॉज ए ब्राह्मिन, वास्तव में